नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप सबने एमएस धोनी को खूब देखा होगा, उनके बल्ले से निकले एक से बढ़कर एक शानदार सिक्स भी देखे होंगे, उसके आप गवाह बने होंगे। बाकी 2011 का वो विनिंग सिक्स तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता है। फिलहाल धोनी पर बात तो बहुत कुछ आपने सुनी होगी और हमने भी बहुत बातें उन पर की हैं। दिन, हफ्ते, महीने बीत जाएंगे, धोनी की गाथा कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए हम आपको आज उस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा हो रही है और धोनी के साथ इस खिलाड़ी की तुलना की जा रही है। दरअसल इस खिलाड़ी ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में ऐसा कारनामा कर दिया कि हर जगह इसकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से हो रही है। ये खिलाड़ी धोनी की तरह विकेट कीपर है और उनकी तरह ही अभी बल्लेबाजी करके मैच फिनिश कर रहा है। इस खिलाड़ी का नाम है दिनेश बाना। आपको याद होगा कि धोनी ने कैसे अपने सिलेक्शन के वक्त चयनकर्ताओं के सामने जबरदस्त छक्के जड़े थे, जिसके बाद उन पर सबकी नजरें टिक गई थी। कुछ ऐसी ही कहानी है युवा दिनेश बाना की, जिन्होंने माही के अंदाज में ही भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। जिस तरह से धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई थी, ठीक उसी तरह बाना ने भी फाइनल में विजयी छक्का लगाया। बाना के इस ऐतिहासिक छक्के के बाद से ही उनकी जिंदगी का एक किस्सा चैलेंजर्स ट्रॉफी टूर्नामेंट से सामने निकल कर आया है और यह किस्सा बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही है। दरअसल कहा जा रहा है कि इस ट्रॉफी के दौरान बाना को उनके दोस्त ने कहा था कि आज सिलेक्टर्स आने वाले हैं, जिसके जवाब में बाना ने कहा, तुम बस आज मेरे छक्कों की गिनती करना। इसके बाद बाना ने अपनी तूफानी पारी में सिलेक्टर्स के सामने 10 चौके और 14 छक्के जड़ दिए। कुछ छक्के तो स्टैंड्स में जा गिरे सिलेक्टर्स के सामने। कुछ ऐसी ही कहानी माही की भी थी, वो कहानी आपने उनके ऊपर बनी फिल्म में देखी भी होगी। तब एमएस धोनी ने टीम इंडिया में जगह बनाने की खातिर जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में सिलेक्टर्स के सामने छक्कों की बरसात कर दी थी, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री टीम इंडिया में हुई। एक दिलचस्प बात यह भी है कि धोनी के पिता पान सिंह की तरह ही दिनेश के पिता महावीर भी बेटे को क्रिकेट में नहीं भेजना चाहते थे। हरियाणा पुलिस में हवलदार दिनेश बाना के पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन दिनेश की इच्छा क्रिकेट खेलने की थी। उसे खेलने का मौका परिवार ने आखिरकार दिया तो बेटे ने कमाल कर दिया और परिणाम आज सबके सामने है। इसके अलावा धोनी की तरह ही दिनेश के भी फेवरेट क्रिकेटर महान सचिन तेंदुलकर हैं। फिलहाल दिनेश बाना को भारत का भविष्य कहा जा रहा है और धोनी से तुलना की जा रही है। वहीं एक किस्सा अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले का भी दिनेश बाना के पिता ने बताया है और उन्होंने कहा है, फाइनल से पहले शनिवार सुबह उससे बात हुई थी। उसने कहा था, पापा आप बेफिक्र रहो, आज मेरी बैटिंग देखना, मैं चौके छक्के की झड़ी लगा दूंगा। यह बात फाइनल से 10 घंटे पहले की थी। इसके बाद उसने सपना सच कर दिखाया और उसने इतिहास रच दिया, हम सब उस पर फक्र करते हैं। तो ये पूरी कहानी दिनेश बाना की कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से मिल रही है। जैसे युवा महेंद्र सिंह धोनी छक्के लगाने के लिए माहिर थे, वैसे दिनेश बाना के भी बल्ले से दम दिख रहा है। आपको बता दें कि दिनेश बाना कभी भी अंडर 19 विश्व कप में भारत के प्राथमिकता वाले विकेट कीपर नहीं थे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो इतिहास रचेंगे और ऐसे ही लंबे लंबे सिक्स लगाएंगे। बहुत ज्यादा गेंदें तो दिनेश बाना ने नहीं खेली इस विश्व कप में, लेकिन जितना भी मौका मिला उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। दो मौके पर तो उन्होंने छक्के के साथ टीम को जीत दिलाई और चैंपियन बनाया। फिलहाल दिनेश बाना की लगातार महेंद्र सिंह धोनी से तुलना हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में ये इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहे और इनको सही से BCCI टीम मैनेजमेंट आगे निखारता रहा तो निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी की कमी पूरा करने वाला एक विकेट कीपर बल्लेबाज हमारे पास तैयार है। फिलहाल अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि धोनी जैसे शख्सियत से किसी की तुलना करना, लेकिन लगातार ऐसा कहा जा रहा है, इसीलिए हमने आपको दिनेश बाना के इस जीवन में इस कहानी को भी आपके साथ साझा किया। फिलहाल दिनेश बाना की बल्लेबाजी आपने भी देखी होगी, कैसा लगा उनका प्रदर्शन विश्व कप में आपको कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी तुलना कितनी जायज है ये भी बताएं।